जिस दिन लॉन्च होगी भाई उसी दिन वो एक्टिवा हम लोग निकालेंगे, तो मैं आपको एक बार उसका फोटो दिखा देता हूँ। एक्टिवा 7G जो है वो किस डेट को लॉन्च हो रही है। तो भाई फिलहाल अभी जो है एक्टिवा के शोरूम होंडा के शोरूम पहुँच चुके हैं, तो अभी चलते हैं भाई यहाँ पर पूछते हैं। भाई ना यार मैं सोच रहा हूँ बुलेट को थोड़ा मॉडिफाई करवा देंगे। हेलो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई आज जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोग निकले हैं अपनी बुलेट के साथ, और बाय द वे आज हम लोग जा रहे हैं एक्टिवा 7G स्कूटी के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि ये पूछेंगे आज जाकर, और जिस दिन लॉन्च होगी भाई उसी दिन वो एक्टिवा हम लोग निकालेंगे, तो मैं आपको एक बार उसका फोटो दिखा देता हूँ कि देखने में कैसी लग रही है। तो ये देखो भाई एक बार कैमरे पर दिखा दो भाई साहब, तो ये देखो भाई ये एक्टिवा 7G है। तो आज हम लोग इसके बारे में जाकर पूरी डिटेल लेंगे, तो भाई चलते हैं। बाकी का ये रे बुलेट देख सकते हो आप लोग निकाल लिए, तो ये हेलमेट सभी भाई लगाएंगे और ये वाला मैं लगाऊंगा। बाकी यार इसमें भी कैमरा फिट करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि चलाते हुए जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी जरूरी होनी चाहिए। तो चलते हैं भाई अभी। तो गाइस फिलहाल अभी देखो समीर भाई आ चुके हैं हेलमेट पहनकर, आ जाओ भाई बैठ जाओ। तो यार काफी दिनों बाद अपनी जो है ना आज मोटो ब्लॉगिंग टाइप फीलिंग आने वाली है, क्योंकि आज निकली अपनी बुलेट और आज देख सकते हो भाई कितना मजा आ रहा है यार भाई, फाइनली इतने दिनों बाद बुलेट से ब्लॉगिंग करने में, वो भी भाई बुलेट से, तो भाई बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी चलते हैं सीधे यहाँ से अपन लोग दुर्गापुरी, क्योंकि वहाँ पर एक एक्टिवा का शोरूम हैगा, तो एक्टिवा के शोरूम में जाकर पता करते हैं कि एक्टिवा 7G जो है वो किस डेट को लॉन्च हो रही है। तो ये लो भाई दिल्ली में निकलो और जाम ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, देखो जबकि ये रोड के साइड वाला एरिया है, यहाँ पर भी देखो भाई कितना जाम है यार। आपने देखा होगा भाई कितना दबा के निकाला मैंने भाई एकदम बराबर में से, जबकि मुझे देख के भी इग्नोर करा, क्योंकि भाई कैमरा है और ऊपर तो सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पे, कोई फायदा तो होने वाला नहीं है इनका, ठीक है। बाकी का एक बेचारा आगे बाइक वाला भी आ रहा था, वो हेलमेट हाथ में था उसके, लेकिन उसने वही गाड़ी रोक के मोड़ दी। तो भाई दुर्गापुरी रोड पे तो हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं, बस अब हमें एक्टिवा का शोरूम देखना है कहाँ पर है। तो भाई फिलहाल अभी जो है एक्टिवा के शोरूम होंडा के शोरूम पहुंच चुके हैं, तो अभी चलते हैं भाई यहाँ पर पूछते हैं एक्टिवा 7G के बारे में, तो कब लॉन्च होगी वो। तो चलो फिलहाल गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम लोग होंडा के शोरूम, जैसा कि आप देख सकते हो ये रहा, और अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है, तो अभी अंदर चल के पूछते हैं अपनी एक्टिवा 7G के बारे में। सो गाइस फाइनली भी अंदर जाकर पूछ कर आ चुका हूँ मैं एक्टिवा 7G के बारे में। तो अभी जो है एक्टिवा 7G जो लॉन्च हो रही है गाड़ी, तो वो हो रही है मई में 2023 में। तो बाकी का यार उनसे पूछा हमने फीचर्स के बारे में, बाकी का फीचर्स के बारे में तो बता रहे हैं कि भाई बहुत तगड़ा सस्पेंस है और बहुत सारी नई नई चीज़ें उस वाली स्कूटी में आने वाली है। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये रहा अपना एक्टिवा 7G का शोरूम, तो हम लोगों ने पूछ लिया, एंड आज का दिन अपना बेकार नहीं जाने देंगे हम लोग, तो अभी चलते कहीं और कुछ इंटरेस्टेड सी चीज़ करते हैं। तो बाकी का ये देखो भाई बुलेट अपने समीर भाई निकाल चुके हैं, सो ये देख सकते हो यार कितनी कूल लग रही है भाई बुलेट, मजाक चढ़ के आप लोग खुद बताओ कमेंट में भाई कैसी लग रही है। तो भाई बुलेट तो ओके लग रही है, चलते हैं अभी हम लोग कहीं और। तो भाई ये देखो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ भाई एक्टिवा 7G का भी कोई जो डेट है ना भाई वो कोई रिवील नहीं करी गई है, और यहाँ पर भी मई जो 2023 दिखा रहा है ना ये भी कंफर्म नहीं है, लो कॉन्फिडेंस डेट है ये। बाकी का यार कमिंग सून आप लोगों को देखने को मिल जाएगा भाई यार बहुत जल्दी, मतलब कि जो स्कूटी है ना एक्टिवा 7G ये आने वाली है मुश्किल से 4 से 5 महीने जा रहे हैं भाई, क्योंकि इस गाड़ी के फीचर भी है ना बहुत खतरनाक है, तो भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई जामा मस्जिद, कुछ खाएंगे वहाँ पर चल करके, तो चलते हैं भाई सीधे जामा मस्जिद। बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुख बरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है ने गोड। तो गाइस यार ये वाला रोड जो देख रहे हो ना भाई यार ये वाला रोड पे मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है गाड़ी को ड्राइव करने में भाई, तो यार क्योंकि जो रोड है ना बिल्कुल प्लेन है और एकदम सीधा जा रहा है, कहीं पे भी ऊंच नीच नहीं है, कहीं पे भी गड्ढा नहीं है भाई, इसीलिए यही खासियत है भाई यहाँ पर जो है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद, जैसे कि वो देखो भाई वो खड़े हुए लाइन से, ये देखो ये गाड़ियाँ जो है ना पीछे लगाए थे इसकी खड़ी हुई है, आपको दिख रहा होगा पूरी की पूरी टीम है। तो अभी तो हम लोगों को फिलहाल आगे जाना है, तो चलते हैं आगे। तो गाइस वो देखो यार सामने एकदम जामा मस्जिद दिख रहा होगा, फिलहाल यार आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कोहरा बहुत है बहुत। तो गाइस यार फिलहाल पहुंच चुके हैं हम लोग अभी जामा मस्जिद, अभी हम लोगों को यहाँ से राइड लेना है, तो चलते हैं अभी राइड लेके अंदर की तरफ और थोड़ा सा रुक के वहाँ पे स्टे करेंगे। तो चलो भाई आप लोग बने रहो भाई, बाकी का बहुत मजा आने वाला है आप सभी को व्लॉग में, तो अभी तो रेड लाइट रखी है कि आपको दिख रहा होगा। तो गाइस फिलहाल बिरयानी आ चुकी है भाई, गरम गरम बिरयानी है, तो समीर भाई ने तो खाना शुरू कर दिया। तो भाई कैसी हो रही है बिरयानी? लजीज हो रही है माशाल्लाह। सही है, चलो भाई हम भी खा के देखते हैं।
और बाकी का भाई ये देखो, ये खड़ी हुई अपनी बिल्लो रानी है ना भाई, बिल्लो रानी बाबू, ये मेरी बाबू आज से है ना, यही आज से मेरी बाबू, सब कुछ आज से सिर्फ यही है भाई मेरी। तो चलो भाई अभी फिलहाल जो है बिरयानी खा लिए चाचा से लेके, भाई बिरयानी बहुत ही अच्छी बना रखी थी चाचा ने, तो अभी निकल गए अपने सीधे घर के लिए। तो भाई यार देख सकते हो आप लोग जाम मस्जिद, तो भाई बहुत जाम है बहुत, क्योंकि भाई आने रोड पर जो है ना जाम रहता ही रहता है। तो अभी यार ये कार बैक हो रही है, तो कार का बैक होने का वेट करते हैं, फिर निकालेंगे अपनी बाबू को सीधे। तो चलते भी सीधे बाहर निकलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई जब निकलते हैं अपना सीधे घर के लिए, अभी हम लोग आए थे जाम मस्जिद पर ऐसे घूमने के लिए, तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर बिरयानी खाई जो कि भाई काफ़ी मस्त बना रखी थी चाचा ने बिरयानी, भाई बहुत ही अच्छा टेस्ट हो रखा था उसका। तो हमारे जो समीर भाई है ना भाई, जो पीछे बैठे हैं, तो फैन होगा चाचा के वहीं पे। तो अभी निकलते हैं हम लोग अपने सीधे घर के लिए। भाई साहब यार मैं सोच रहा हूँ बुलेट को थोड़ा मॉडिफाई करवाने की, लेकिन आप लोग बताना कमेंट में अगर आप लोगों को ब्लॉग चाहिए बुलेट से ऐसे ही, एंड मैं नए नए कंटेंट लेकर के आऊँगा बाकी भाई, अच्छी कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा बनाने की। तो आप लोग कमेंट में बताना भाई अगर बुलेट को थोड़ा चेंज करवाएं, बुलेट में थोड़ी सी फिनिशिंग करवाया जाए, मतलब कुछ नया, तो इस चीज़ की सलाह मैं आप लोगों से लेता हूँ, तो आप लोग भाई ज़रूर बताना। तो चलो भाई बुलेट की स्पीड टेस्ट करते हैं यहाँ पर। भाई अब सारे डॉक्यूमेंट है तो कोई रोकता ही नहीं है भाई, देख रहे हो। और जब अपने पे डॉक्यूमेंट नहीं होते तो भाई हर कोई रोकेगा आपको, तो यार यही कुछ चक्कर भाई आगा। भाई अभी रह गया एक्सीडेंट होता होता क्या, मुझे लगा बाढ़ भी तुमने आज गाड़ी, मैं तुम्हारा भाई बाढ़ देगा गाड़ी हो सकता है। तो भाई ये देखो बस रोकने की जगह यहाँ पर है, देखो रुकी कहाँ पर है, देख रहे हो बीच रोड पे भाई, ऐसे यार कुछ भी हो सकता है भाई। ओ चाचा तो बहुत लंबा है, लगी देख रहे हैं चोड़ में ये खड़े, ये तो सबको रोकते हैं ये वाले जो है भाई, ये हर किसी को। तो नंबर प्लेट का फोटो ले लिया, कहाँ जाएगा वो घर पे चलान। तो भाई आप लोगों ने देखा क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत सारे थे, और देखो जैसे भी गाड़ी आप लोग निकाल रहे हो ना वो हाथ के हाथ फोटो ले रहे थे, तो ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी वीडियो में, अगर नहीं देखी तो वापस रिवर्स करके देख लो, क्लियर आया होगा ये शॉट।